तरह का एक्सीडेंट देख के आप एक ही बात कहेंगे, यार बहुत ही घटिया बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी की। पर यदि मैं आपसे कहूं कि असल में ये एक सेफ गाड़ी है, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। इस गाड़ी में यदि आप अंदर देखोगे तो कैबिन पूरा सुरक्षित है और केवल गाड़ी का आगे का हिस्सा ही बहुत डैमेज हुआ है। इससे एक बात तो क्लियर है कि पैसेंजर्स पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन आखिर गाड़ी का आगे का हिस्सा इतना घटिया क्यों बनाया जाता है, इसे पहले समझा जाए। एक आदमी अपने रोजाना जीवन में केवल 1G फोर्स यानी 1 times फोर्स ऑफ ग्रेविटी अनुभव करता है। ज्यादा से ज्यादा हम 6G तक सह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा फोर्स और आपका दिल आपसे बोलेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भागने वाली गाड़ी एक्सीडेंट के दौरान 45G जितना हाई फोर्स इंसानी शरीर पे डालती है। इतना ज्यादा फोर्स आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। आसान भाषा में आप मर जाओगे। यदि आपकी गाड़ी किसी इलास्टिक सरफेस से टकरा जाए तो इलास्टिक सब फोर्स अपने ऊपर ले लेगा और आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब भारत में तो हर दीवार अंबुजा सीमेंट से जो बनी है और ये दीवार कभी टूटेगी नहीं। इससे अच्छा अगर गाड़ी पे ही इलास्टिक सरफेस को चढ़ाया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब ऐसी चद्दर जैसी दिखने वाले गाड़ी कौन चलाना चाहेगा, क्योंकि हम टाटा से ज्यादा मारुति चुनने वाले लोग हैं। इसलिए गाड़ी की शान बचाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने एक ऐसा आविष्कार लाया और इस इलास्टिक सरफेस को ही गाड़ी के अंदर आगे डाल दिया और उसे नाम दिया क्रम्पल जोन। बेसिकली करता ये है कि एक्सीडेंट के दौरान ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट खुद पे लेता है, जिससे अंदर बैठे पैसेंजर्स को उतना जी फोर्स महसूस नहीं होता। इंजीनियरिंग टर्म्स में इसे कहते हैं मटेरियल की इलास्टिसिटी यानी स्टिफनेस। यदि ये हार्ड मटेरियल से बनाया होता तो फोर्स को एब्जॉर्ब करने की जगह ये उसे अंदर बैठे पैसेंजर्स पे ट्रांसफर करता। बस यही रीजन है कि गाड़ी कॉन्क्रीट से नहीं बनाई जाती है। स्टिफ मटेरियल फोर्स को एब्जॉर्ब करते हुए डिफॉर्म होते हैं और हार्ड मटेरियल फोर्स को ट्रांसफर करते हुए टूट जाते हैं। अब इंसानों की हरकतों के चलते ये जोन आपको पीछे भी देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ लोग पीछे से भी ठोकते हैं। इतना ज्यादा दर्द सहने के बाद ये जोन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, इसलिए लोग ऐसी गाड़ी देख के उसकी बिल्ड क्वालिटी का मजाक उड़ाते हैं। कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।